ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और कोविड डेली वेजेस मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ शाज़ेब हुसैन से। शाज़ेब बताएगा पहले तो इन एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का क्या मुतालबा है और इस वक्त क्या सूरत हाल दिख रहा है। और कोविड डेली वेजेस मुलाजमीन का जहाँ पर पुलिस की इजाजत से इनको जो है रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। मुजाहिरीन ने जो है मुतालबात रखे हैं कि तनख्वाहों में महंगाई की तरफ से 200% इजाफा किया जाए, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस और इसी तरीके से डेली वेजेस जो होते हैं वो जो है बढ़ाए जाए। इस तरीके से अकाउंट क्लर्क की पोस्टों को अपग्रेड किया जाए। पेंशन इश्तहार के नाम पर मुलाजिम की जो राहत है उसको पॉलिसी खत्म किया जाए, जबकि पेंशन की जो पेंशन में जो 100% जो है उनको इजाफा करने के भी जो है मुतालबा रखा गया है। ये जो है जो मुजाहिरीन थे ये सीएम हाउस जाने के लिए वाले जो रास्ता है वहाँ पर जा रहे थे, जहाँ पर पुलिस ने इन मुजाहिरीन को रोका है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज किए। इसमें 2-3 मुजाहिरीन जो है जख्मी भी हुए हैं और 2-3 अपराध को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो इनके मुतालबात हैं वो माने जाएंगे, वो पुलिस के साथ मुजाकरात कर रहे हैं और इसी तरीके से पुलिस खबर की तफसील दी। बहुत शुक्रिया आपका।